तो गाइस यार स्वागत है आपका वाइट एडियम में एक बार फिर से। तो यार आज की वीडियो भी बहुत ही ओपी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फाइनली ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ कि जो मेरी पिछली वीडियो थी 5 बेस्ट वे टू हाइड योर चेस्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई यार ट्यूटोरियल ला दे ट्यूटोरियल। तो यार अब मैं फाइनली आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ कि मैंने सभी बेस कैसे बनाए थे। तो यार वीडियो को पूरी देखते रहना तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने बेस अपने कैसे बनाए थे। तो चले यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो गाइस यार पहला बेस है हमारा अंडर दी लावा, ठीक है। तो यार आप लोगों को पता ही होगा कि आपके वर्ल्ड में ऐसे रैंडम लावा पूल्स आपको मिलते रहते हैं, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप खुद कस्टम बनाओ, आपको सही रहेगा अगर आप अपना खुद का बनाओगे, क्योंकि यार उसका कोई भरोसा नहीं होता उसका लावा कहाँ से निकले। ये देख लो यार इस टाइप का डिज़ाइन आपको लेना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हो। लेकिन यार ध्यान रखना ज़्यादा छोटा ना हो या ज़्यादा बड़ा भी ना हो, क्योंकि यार ये ना लगे कि बंदे ने खुद से बनाया है। अगर उन्हें पता लग गया कि आपने खुद से बनाया है तो यार ये तो समझ ही जाएंगे कि इसके अंदर कुछ तो होगा। तो चलो आप लोगों ने डिज़ाइन तो देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यार आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बनाने के लिए, ओके। पहली लावा बकेट, दूसरी साइन, तीसरी वाटर। बस आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी अपने बेस में आप अपने हिसाब से रखोगे सामान। तो देख लो यार 3 चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कलेक्ट करने के बाद आपको जैसा कि मैंने डिज़ाइन दिखाया आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ओके फर्स्ट ब्लॉक तोड़ना स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट ब्लॉक तोड़ लिया है, ओके। अब इसके बाद वीडियो को ध्यान से देखो, जितना आपने फर्स्ट ब्लॉक का तोड़ा है, ठीक है, उतने में आपका आएगा लावा। फिर आपको एक प्लेस ढूंढना है जहाँ से आपका बेस का एंट्रेंस होगी, ठीक है। तो एंट्रेंस ऐसी रखना कि आपको याद हो, जैसे कि देखो मैं अपनी एंट्रेंस यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से मेरे 2 ब्लॉक की जगह खाली है, यहाँ से नहीं यहाँ से लेता हूँ। देखो यार मेरी एंट्रेंस यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स की जगह है और मेरे को याद रहेगा कि मेरी एंट्रेंस यहाँ पर है। अपनी एंट्रेंस से लेके आपको 2x2 ब्लॉक का ब्लॉक तोड़ना है, ओके, और इसको 3 लेवल तक नीचे लेके आना है। तो देखो यार फर्स्ट लेवल मैंने तोड़ लिया, मैं दूसरे लेवल पे आ गया हूँ और ये तीसरा लेवल, इतना आपको तोड़ लेना है, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपको अपने पहले ब्लॉक पर जाना है, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये देखो यार पहला ब्लॉक हमारा ये वाला है, इसको मैं समझना है, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी एंट्रेंस वहाँ से ये हमारा पहले वाला ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे लगाने हैं ओक साइन, ठीक है, इसको भी आपको 2x2 करके लगाना है, 2 साइडों में लगाना बस, बाकी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर आप कुछ लिखोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपको ऊपर से ऐसे दिखेगा, जो आपको आगे की दिख रही है वहाँ पर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ के, ठीक है, एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक पर ऐसा सेम काम करना है। तो फटाफट मैं लगा लेता हूँ, तो ये देखो यार मैंने लगा लिया जल्दी से। तो इसके बाद आपको जाना है 2 ब्लॉक नीचे, ओके, एक ब्लॉक आ गया, अब एक और ब्लॉक नीचे आता हूँ। ये देखो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा बेस, तो आप इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लो जितना आप करना चाहते हो, ठीक है। बड़ा करने के बाद अब मैं बताता हूँ आपको लावा कैसे रखना है। लावा को डालने के लिए आपको ब्लॉक के साइड पर क्लिक करना है, ठीक है, बीच में मत करना, साइडों से डालना, क्योंकि अगर ऊपर से आएगा तो यार नीचे जाने का भी रिस्क होता है। ये देखो यार मैंने पूरा लावा पूल फिल कर लिया है और देखो इसके नीचे हमारा सीक्रेट बेस, ये देखो बूम हम अपने सीक्रेट बेस में आ चुके हैं। अब यहाँ के आने के बाद जो आपका ब्लॉक खाली है वहाँ पे आपको वाटर फिल कर देना है, ठीक है, तो सही से डालना ताकि पानी का फ्लो एक तरफ ना होने, तो आप नीचे नहीं उतर पाओगे जल्दी। तो ये देख लो यार बिल्कुल सेफ है हमारा बेस। तो ऊपर जाने के लिए यार आपको जहाँ पर आपका एंट्रेंस वहाँ पर आपको 2 स्टेयर्स लगा देनी है, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद देखो आपको जंप कर देना है और ये देखो आप ऊपर आ चुके हो। तो मेक श्योर यार एक स्टेयर्स लगा लेना और अपने सीक्रेट बेस में पोर्शन ऑफ फायर स्ट्रेंथ रखना ही रखना, और यहाँ पे साइड में आप फ्लिंट भी लगा सकते हो ताकि ये रियलिस्टिक लुक दे, एंड आपको टावर बना के जंप मार देना है। ये देखो मस्त बन चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेस की तरफ। हमारा दूसरा सीक्रेट बेस था सीक्रेट वॉल, ओके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो माउंटेन के अंडर हाउस होते हैं वो बनाओ, क्योंकि यार उसमें स्पेस का पता नहीं चलता है, लेकिन मैं पिछली वीडियो में माउंटेन पे बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको वैसे बताता हूँ कि नॉर्मल में आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्पेस छोड़ा हूँ वैसे भी आपको अपने हाउस के अकॉर्डिंग स्पेस छोड़नी है कि आपका बेस जो है कितना होगा। स्पेस वगैरह लेने के बाद आपको चाहिए होगी पेंटिंग, ओक साइन, साइन कोई भी ले सकते हो, एंड ब्लॉक। ब्लॉक अपना वही लेना जिस ब्लॉक से आपका हाउस बना है, ठीक है। तो आपको ये मेरा दूसरा ब्लॉक है यार, चेंज करता हूँ, वेट गाइस। तो यार अब मैं आपको वॉल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने किया है वैसे आप ब्लॉक वॉल बना लेना, ठीक है। ऐसी वॉल बनाने के बाद आपको 2 ब्लॉक छोड़ के, ठीक है, तीसरे ब्लॉक से आपको फिर वॉल बना देना है ऐसे करके।
इतना सब करने के बाद आपको जहाँ पे आपका डोर है ओके, वहाँ पे आपको कोई दूसरा ब्लॉक प्लेस करना है ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से होगी मेरी एंट्रेंस, और बगल में से एक गेट तोड़ देना अंदर जाने के लिए, अभी हमने बनाना है ठीक है। तो देखो हमें पता रहेगा हमारा जो है डोर यहाँ से है ओके। सो अब हमें लगानी है पेंटिंग। पेंटिंग आप कोई भी लगा सकते हो, तो यार मैं ये नहीं अच्छी लग रही मेरे को, हाँ ये अच्छी लग रही स्कल वाली ठीक है, ये लगा देना और साइडों में भी लगा देना ताकि कोई देखे तो उसे लगे कि हाँ ये पेंटिंग वॉल है ओके। तो इसके अंदर आने के बाद गाइस इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझना ठीक है। मान लो हमारा ये ब्लॉक है, आपको इसको तुरंत तोड़ के आपको इसमें साइन लगाना है ठीक है, एक सेकंड भी लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी पेंटिंग जो है टूट जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा ये ब्लॉक है और इसको हमने तोड़ते ही लगाना है तुरंत, और ये देखो यार हमारी पेंटिंग लगी है। अगर आप थोड़ा भी लेट करोगे तो ये टूट जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी बारी में टूट चुकी है। तो यार एक बारी में नहीं हो तो यार हार मत मानना, दूसरी बार ट्राई करना, हो जाएगी। तो मैं फिर से पेंटिंग प्लेस करता हूँ एंड फिर लगाते हैं हम दोबारा, अब की यही पेंटिंग रखते हैं भाई, उसमें नहीं हुआ तो चलो हम फिर से ब्लॉक तोड़ते हैं ओके। जल्दी से करना है, देखो इस बार हो गया हमारा एंड दूसरे ब्लॉक में भी। पहले ऊपर ऊपर से कर लेना देन नीचे आना ओके। ये देखो फर्स्ट ब्लॉक पर हो गया, अब हम जाते हैं लास्ट ब्लॉक पर, इसमें भी ऐसे करना है जल्दी से। लास्ट ब्लॉक में अब हम करते हैं जल्दी से। बूम गाइस देखो यार हमारा जो है सक्सेसफुली सीक्रेट वॉल बन चुकी है। बस इतना करने के बाद आपने जो दूसरा गेट बनाया था उसको कवर कर दीजिए एंड ये देखो पेंटिंग वगैरह लगा दो साइडों में। अब आपके घर में कोई भी आएगा तो उसे लगेगा कि ये पेंटिंग वॉल है, लेकिन हमें पता है इसके अंदर बेस है। अंदर जाने के लिए आपको उस जगह पर आना है, आपको याद रखना। देखो अंदर आ गए आप मस्त, और इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बस यार हमारा अगला बेस था इनसाइड दी लावा ओके। सो आपको पता है माउंटेन होते हैं टू टाइप के माइनक्राफ्ट में, तो पहला जो होता है मोस्टली वो डर्ट से होता है ओके। तो यार मगर लावा जो होता है वो स्टोन माउंटेन से ही निकलता है। तो यार आप ये इतना याद रखना कि आपने जो बनाना है वो आपका माउंटेन स्टोन का होना चाहिए। हम सामान की बात कर लेते हैं। सामान हमको लगेगा लावा बकेट, रेल, माइनकार्ट एंड अंडर पर्ल। अंडर पर्ल आपको लास्ट में चाहिए होगा बाहर आने के लिए ओके। सो आपका एंट्रेंस होगा टू ब्लॉक का ठीक है। ये देखो टू ब्लॉक का आपका एंट्रेंस होगा इतना, और जब लावा निकालना है आपको उससे चार ब्लॉक छोड़ के, चार या पांच ब्लॉक छोड़ के ओके। और जहाँ पे लावा गिरेगा आपको वो वन ब्लॉक तोड़ देना है। तो लावा को लास्ट में फिल करना, तभी आप अंदर से बाहर आ पाओगे आराम से ठीक है। हम पहले अंदर का सेटअप कर लेते हैं, और आपको जाना है इसके अंदर, और स्पेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यार अपने हिसाब से स्पेस को एडजस्ट कर लेना। उसके बाद ठीक है आपको लगानी है रेल। आपकी देखो रेल किस पोजीशन में होनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपकी रेल का मुंह जो है वो इसके अपोजिट होना चाहिए ताकि ये इसमें फिक्स हो सके। ऐसा करने के लिए आपको एक ब्लॉक तोड़ना है साइड में, और यहाँ के आपको ऐसे कर देना है, बगल में एक और रेल कर देनी है। अब ये देखो इसके बाद जिस ब्लॉक का माउंटेन है इन्फेंस्ड स्टोन का, उसी ब्लॉक से इसको ढक देना ओके। और आपको अंदर रखने हैं एंडर पर्ल बाहर आने के लिए। तो आपको देखो माइन कार्ट भी आपको इसी में रख देनी है ठीक है। ये देखो आपको रख देनी यहाँ पे। देखो अब आप अंदर से बाहर जाओगे ये हिलेगी नहीं, अगर आप उधर को रखते तो ये बाहर आ जाती है ओके। सो इसके बाद आपको बस लावा को यहाँ पे डाल देना है एंड वेट करते हैं लावा के नीचे आने का। जब तक लावा नीचे आ रहा है यार वीडियो को लाइक कर दो, क्या जाता है लाइक करने में। एंड देखो यार लावा नीचे आ चुका है, और अंदर जाने के लिए आपको रेड का बटन आएगा, आप अंदर जाओगे मस्त तरीके से। एंड बाहर आने के लिए जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था एंडर पर्ल को आपको ऐसे करना है थ्रो, एंड ये देखो आप आ चुके हो बाहर। अगला मेथड यार बहुत ही सिंपल था, आपको क्राउच होना है बस एंड चेस्ट के ऊपर आपको ऑब्सीडियन करके नेदर पोर्टल बना देना है, बस इतना ही था। तो यार ये लास्ट है और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यार इसमें मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर दूँगा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि इसको माउंटेन में रखना ठीक है। और बस यार इससे आगे मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगा, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अगर हो सके तो यार वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना आपका जिस साइड में होना चाहिए उसके ऑपोजिट आपको ब्लॉक को तोड़ना है ठीक है। जैसा कि मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे भी हमें ब्लॉक रखना है, और ये देखो यार डोर हमारा लग गया। बस तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि स्नेकी डोर बहुत ही ओपी तरीके से बन चुका है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था कि यार जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल मेथड से आप लोगों को समझाऊं, ताकि यार कोई भी कंफ्यूज ना हो।
लेकिन यार फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूज होता है तो यार कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा कि आपको सही कैसे करना है। तो बस यार आज की वीडियो इतनी ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।